माता की, भारत माता की, भारत माता की। अमर शहीद सिधो कान्हो, चांद भैरो, फूलो जानो, कोवाग जन्म जाएगा, बोगना डीरे गो बाबा बोया मिसेरा को इनसेन खोल जुड़ान मनोर जोहार। अभी अभी यहां आने से पहले मुझे अमर शहीद सिधो कान्हो चांद भैरो को श्रद्धांजलि अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको लगा होगा कि हेलीकॉप्टर तो आ गया, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए, लेकिन प्रधानमंत्री तो वहां सर झुकाने के लिए चले गए थे। ये मेरा एक और सौभाग्य है कि इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज ये मेरी अंतिम सभा वीरों की माटी और बाबा बागेश्वर नाथ के सानिध्य में हो रही है। ऐसे ही वीर वीरांगनाओं के आशीर्वाद से भाजपा सरकार पूरे देश में आदिवासी सेनानियों से जुड़े संग्रहालय बना रही है, म्यूजियम बना रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, भारत के निर्माण में, हिंदुस्तान के हर कोने में इन आदिवासी वीरों के योगदान को भारत हमेशा हमेशा याद रखे। आने वाली पीढ़ियां इनसे प्रेरित हो, यही हमारी कामना है। मैं ऐसी तमाम पुण्य आत्माओं को नमन करता हूं, उनके संघर्ष को प्रणाम करता हूं। साथियों, झारखंड में चार चरणों का मतदान हो चुका है और हर चरण में भारी मतदान हुआ है, शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। झारखंड के मतदाताओं ने डर और भय से मुक्त होकर मतदान किया है। इस बार भी हर तरफ एक ही आवाज है, एक ही आवाज है, एक ही आवाज है, झारखंड पुकारा, भाजपा दोबारा। झारखंड पुकारा, झारखंड पुकारा, झारखंड पुकारा। भाई और बहनों, ये आवाज इसलिए बुलंद हुई है क्योंकि कमल के फूल से झारखंड को विकास और सुरक्षा की गारंटी मिली है।
जब कमल का फूल खिलता है तो गरीब का भला होता है, महिलाओं का भला होता है, युवाओं का भला होता है, आदिवासियों का भला हुआ होता है, पिछड़े इलाकों का भला हुआ होता है, पूरे समाज का भला होता है। साथियों, जब से भाजपा की एनडीए की सरकार देश में है, तब से हर वर्ग, हर संप्रदाय के हित में ही हमने काम किया है। झारखंड सहित पूरे देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में अगर 36,000 करोड़ रुपए सीधे जमा हो चुके हैं तो ये हर वर्ग, हर संप्रदाय के किसानों के खाते में जमा हुए हैं। कोई भेदभाव नहीं होने दिया है। देश भर के करोड़ों गरीब किसानों, खेत मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, छोटे छोटे दुकानदारों, कारोबारियों को 3,000 रुपये की पेंशन की सुविधा मिली है तो ये भी बिना भेदभाव के सभी को मिली है। झारखंड सहित देश भर की 8 करोड़ से अधिक बहनों को पहली बार मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। ये आदिवासी को भी मिला, पिछड़े को भी मिला, दलित को भी मिला, सामान्य वर्ग को भी मिला, हर पंथ, हर संप्रदाय के गरीबों को इसका लाभ मिला। देश के करीब 2 करोड़ गरीबों और झारखंड के 10 लाख गरीबों के लिए अगर घर बने तो ये भी बिना भेद के किया जा रहा है। जिसके पास नहीं है उन सबको मिलने, पक्का घर मिले इसलिए हम काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी हर गरीब को मिल रहा है। इस योजना से पूरे देश के करीब 67 लाख और झारखंड के 2 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों का मुफ्त इलाज हो भी चुका है। भाइयों और बहनों, जब गरीब को, आदिवासी को लगता है कि मेरा कोई अपना है जो दिल्ली में बैठकर उसका ध्यान रख रहा है, उसके बच्चों का ध्यान रख रहा है, तो गरीब से गरीब, जंगलों में रहने वाला भी मेरा भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं हम पर भरपूर आशीर्वाद बरसाती है। आप देखिए, इतनी दूर दूर से जहां भी मेरी नजर पहुंचे लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप मुझे यहां आशीर्वाद देने आए हैं, हम सबको आशीर्वाद देने हैं। आपका यही स्नेह, आपका यही आशीर्वाद तो जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और देश भर के वामपंथियों को
परेशान करता है, उनकी नींद हराम कर देता है। मोदी को, भाजपा को मिल रहा देश का प्यार इनको पच नहीं रहा है। इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि जिन बातों को लेकर दशकों तक देश को इन्होंने डराया, वो आखिर झूठ क्यों साबित हुई? सब झूठ चलाया था, अब सच उजागर होकर के आ गया है कि अगर सबसे ज्यादा सुरक्षा कहीं है तो ये भाजपा की सरकारों में ही है। वे इस बात से परेशान है कि आखिर जिन मामलों को इन्हें दशकों तक लटकाए रखा, ऐसे मसले जो लटके पड़े थे, लोगों को भी चिंतित कर देते थे, उत्तेजित कर देते थे, परेशान कर देते थे, ऐसे उलझे हुए मामलों को आज मोदी ने कैसे सुलझा दिया? साथियों, ये हमारा बरहेट में राम जानकी विराजमान है। और भगवान राम जी ने 14 साल वनवास में आदिवासियों के बीच में अपनी जिंदगी गुजारी थी। और इसलिए यहां भव्य श्रद्धा केंद्र राम जी का मंदिर है। अब आप मुझे बताइए, अयोध्या में राम जन्मभूमि का मामला इतने सालों से लटक रहा, इतने सालों से लटकता रहा, इसका समाधान होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये मसला शांति से सुलझना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? सत्य के मार्ग पर सबको चलना चाहिए था कि नहीं चलना चाहिए था? लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो वही काम करते थे जिसमें उनकी राजनीति की रोटियां सेकते रहे, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका हल कांग्रेस और उसके साथी कभी नहीं चाहते थे। लटकाना, भटकाना, इसी में उनकी राजनीति की खिचड़ी पकती थी। वो राजनीति करते रहे, सबको डराते रहे और देश अयोध्या में राम मंदिर का इंतजार करता रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम राष्ट्र नीति पर चले और अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता आज साफ हो गया। भाइयों बहनों, कहीं कोई तनाव हुआ क्या? कहीं कोई तनाव हुआ क्या? कोई दंगा हुआ क्या? मारपीट हुई क्या?
शांति से हुआ कि नहीं हुआ, देश में सब काम शांति से होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अब मोदी शांति से सब करने के लिए कोशिश कर रहा है तो उनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, आर्टिकल 370 को लेकर भी इन्होंने यही डर दिखाया, अगर 370 को हाथ लगाए गए तो करंट लग जाएगा, करंट बवाल हो जाएगा, देश का टुकड़ा हो जाएगा, यही बोलते थे ना, यही डर दिखाते थे ना। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अलगाव को बढ़ने दिया, आतंकवाद बढ़ने दिया, वहां से पंडितों को निकाले गए, ये देखते रह गए, लेकिन निर्णय नहीं किया, फैसला नहीं लिया। आपने जब इस सेवक को फिर आदेश दिया तो आर्टिकल 370 भी निकाल गया और शांतिपूर्ण तरीके से आज कश्मीर आगे बढ़ने लग गया। साथियों, आपने इस डर को, इस छल को नकार दिया। पूरे देश ने इस कांग्रेस और उसके साथियों की नकारात्मक सोच को ही नकार दिया। लेकिन साथियों, लोगों को डराने को, झूठी बातें फैलाने को उन्होंने अपनी राजनीति का आधार बना दिया है। जनता की सेवा करके राजनीति नहीं कर सकते, झूठ फैला करके ही, डर का माहौल पैदा करके ही भी अपनी राजनीति करने की आदत अभी भी उसी के भरोसे चल रहे हैं। अब देखिए, अब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फिर से ये सफेद झूठ बोलने लगे हैं, लोगों को डराने लगे हैं। कांग्रेस और उसके जैसे दलों और उसके वामपंथी इकोसिस्टम ने पूरी ताकत झोंक दी है भारत के मुसलमानों को डराने के लिए। ये लोग देश में झूठ और भ्रम का माहौल बना रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, जबकि ये बात पत्थर की लकीर की तरह साफ है कि नागरिकता संशोधन कानून से भारत के एक भी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, किसी की भी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई, बराबर आ गई? मैंने साफ साफ बताया कि नहीं बताया? संसद में भी बताया था। आपको समझ में आता है, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनकी राजनीति की खिचड़ी नहीं पक रही है। भाइयों बहनों, फिर भी कांग्रेस और उसके साथी झूठ फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, अपप्रचार कर रहे हैं। साथियों, आज झारखंड की इस धरती से, इन वीर पुत्रों की धरती से
देश के लिए मर मिटने वाले इन शहीदों की धरती से मैं फिर एक बार पूरे देश को, देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हर किसी को फिर से कहना चाहता हूं कि इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। हमने जो कानून बनाया है ये तो हमारे पड़ोस के तीन देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीन देशों में धार्मिक अत्याचार की वजह से भारत आने वाले लोगों के लिए हमने कानून बनाया है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बरसों से बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जिनके पास वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इसमें भारतीय मुसलमानों या किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों का हनन कहां होता है? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठ फैला रहे हो? क्यों देश को बर्बाद करने में तुले हुए हो? साथियों, नागरिकता संशोधन कानून न किसी भारतीय का अधिकार छीनता है, न ही उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस और उसके साथी इस मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काने का, डराने का, भयभीत करने का प्रयास करके अपनी राजनीतिक खिचड़ी पकाना चाहते हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस की बांटो और राज करो इसी नीति की वजह से देश का एक बार बंटवारा हो चुका है, मां भारती के टुकड़े पहले हो चुके हैं। यही कांग्रेस है जिसने अवैध तरीके से लाखों घुसपैठियों को भारत में घुसने दिया, यहां उनको वोट बैंक के नाते इस्तेमाल किया। घुसपैठियों के कारण जो समस्याएं पैदा हुई है उसके लिए भी कांग्रेस और उसके साथी दल जो इतने सालों तक सत्ता भोगते रहे वे ही जिम्मेदार है। साथियों, मैं कांग्रेस सहित उन तमाम दलों को इस वीरों की धरती से आज चुनौती देता हूं। साथियों, बताइए चुनौती दूं या ना दूं? आपके आशीर्वाद है ना? ये वीरों की भूमि से आवाज उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? मैं आज कांग्रेस और उनके जितने चेले चपाटे हैं, जितने उनके साथी दल है, उनको आज खुलेआम चुनौती देता हूं। अगर उनमें हिम्मत है, अगर उनमें हिम्मत है तो वो खुल करके घोषणा करें। अगर उनमें हिम्मत है तो खुल करके घोषणा करें, कांग्रेस और उसके सारे साथी खुल करके घोषणा करें कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को
भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार है। कह दे जरा, देश उनका हिसाब चुकता कर देगा। इतना ही नहीं, अगर कांग्रेस में साहस है तो खुलकर यह भी घोषणा करे कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिर से आर्टिकल 370 को लागू करेंगे। कर बोलो जरा, हिम्मत है तो बोलो। मोदी ने हटाया है, आप वापिस लाने का देश के सामने घोषणा करके दिखाओ। गुमराह कर रहे हो लोगों को। अरे कांग्रेस में हिम्मत है, कांग्रेस में हिम्मत है, अरे कांग्रेस के साथियों में हिम्मत है, तो वो ये भी खुल करके घोषणा करे कि तीन तलाक के खिलाफ जो कानून बना है उसे वो रद्द कर देंगे। जरा हिम्मत के साथ बताओ। कांग्रेस इस चुनौती को स्वीकार करे, खुल करके ऐलान करे, वरना देश से झूठ बोलना, देश में भ्रम फैलाना, दूसरों को अपनी ढाल बनाकर ये गुरिल्ला राजनीति करना बंद कर दे। मैं कांग्रेस और उसके साथियों को यह भी कहना चाहता हूं कि वो देश के युवाओं को बर्बाद करने के ये खेल खेलना बंद कर दे। किसी का भला नहीं होगा, देश के उज्जवल भविष्य का भला नहीं होगा। जिन मां बाप ने काली मजदूरी करके बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, उन मां बाप के सपनों को तहस नहस करने का पाप अपनी राजनीति के लिए मत करो। देश देख रहा है कैसे बहुत सफाई से कांग्रेस ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून, नागरिकता संशोधन कानून, CAA के बारे में बोलना ही बंद कर दिया है, लेकिन दूसरे मुद्दों को उछाल करके, उसके पीछे छिप करके डर फैलाना, भ्रम फैलाना, गंदी राजनीति को हवा देने शुरू कर दिया है। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, भारत की सरकार का एक ही पवित्र ग्रंथ है, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया हुआ भारत का संविधान, यही हमारा ग्रंथ है। हमारे लिए एक ही मंत्र सर्वोपरि है, एक ही मंत्र हमारी प्रेरणा है, एक ही हमारा मंत्र हमें पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करता है, और वो मंत्र है भारत माता की जय। हम सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय इस मंत्र को लिए जी रहे हैं, जूझ रहे हैं और जी जान से जुटे हुए हैं। इनके दायरे में लिए गए हर फैसले के साथ मां भारती के कल्याण के लिए, मां भारती के जय जयकार के लिए गए हर फैसले के साथ ये आपका सेवक खड़ा रहेगा। मैं देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के युवा साथियों से भी आग्रह है कि आप अपने महत्व को समझें,
आपके जीवन के इस मूल्यवान समय को समझे, जहां आप पढ़ रहे हैं उन संस्थानों का महत्व समझे, सरकार के फैसलों और नीतियों को लेकर चर्चा करे, डिबेट करे। आपको कुछ गलत लगता है तो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। ये सरकार आपके हर बात, हर भावना को सुनती है, समझती है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि कहीं कुछ दल, कथित अर्बन नक्सल, कहीं अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग आपके कंधे पर बंदूकें चला करके अपना राजनीतिक उल्लू तो सीधा नहीं कर रहे हैं। आपकी बर्बादी करने के पीछे इनका यह षड्यंत्र नहीं है, याद रखिएगा। और ये देश 20 साल से देख रहा है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मोदी से नफरत है। देश हित से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, वो मोदी के प्रति जो उनकी नफरत है, उससे आगे देख ही नहीं पाते हैं। भाइयों और बहनों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथियों के सिर्फ नाम अलग है, इनकी सोच और कारनामे एक जैसे ही है। इन्होंने झारखंड के निर्माण को लेकर भी तो इसी तरह झूठ और डर की राजनीति की थी। झारखंड जब बिहार का हिस्सा था, तब इन्होंने वहां के लोगों से झूठ बोला, उनको डराया। लेकिन आपके संघर्ष और भाजपा की प्रतिबद्धता के कारण ही आज झारखंड देश के विकास में अहम भागीदारी निभा रहा है। हालांकि आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को डराने का काम आज भी कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी वाले पहले की तरह कर ही रहे हैं। फिर यहां झूठ प्रचार किया जा रहा है, कहीं पिछड़ों को डरा रहे हैं तो कहीं आदिवासियों को डरा रहे हैं। भाई और बहनों, मैं सिद्धो कानों की इस वीर धरती से पूरे जनजातीय समाज को, आदिवासी साथियों को फिर एक बार आश्वस्त करता हूं कि आपके जल, आपके जंगल और आपके जमीन पर कोई आंच नहीं आएगी। आपके साथ, आपके विश्वास से ही यहां का विकास होगा। आपको मालूम है ना, ये लगातार कहते रहते थे, मोदी आएगा तो आरक्षण चला जाएगा, मोदी आएगा आरक्षण चला जाएगा। ये झूठ फैलाते थे कि नहीं फैलाते थे? ये झूठ बोलते थे कि नहीं बोलते थे? दिन रात बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अभी पार्लियामेंट में, अभी हमने पार्लियामेंट में आरक्षण के कानून को फिर से आगे बढ़ा दिया, फिर 10 साल के लिए आगे बढ़ाने का काम ये मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते कर दिया है। अब उनकी बोलती बंद हो गई, उनके मुंह पे ताला लग गया, इनका एक झूठ चलने वाला नहीं है। साथियों, भाजपा का संकल्प, हमारा एक ही संकल्प है, देश का विकास हो, झारखंड का विकास हो। भाजपा आपके हित और आपके सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित है। यही कारण है कि आपकी मूल समस्याओं पर
हम ध्यान दे रहे हैं। बीते 5 वर्षों में सड़क और बिजली जैसे काम पर हमने ध्यान दिया, बहनों को शौचालय और गैस कनेक्शन की सुविधा दी। आने वाले 5 वर्षों में अब उसी तरह पूरे समर्पण भाव से हम घर घर पानी पहुंचाने के लिए काम करने में जुटे हैं। साल 2024 तक हर घर जल ये पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। किसान को, हमारी बहनों को पानी के लिए परेशान ना होना पड़े, ये काम भारतीय जनता पार्टी, ये कमल के फूल वाली पार्टी की सरकार कर रही है। इसके लिए हम अलग से मंत्रालय बनाकर और जल जीवन मिशन के तहत हमने काम शुरू भी कर दिया है। इसके तहत आने वाले 5 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से झारखंड को 200 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत भी हो चुके हैं। ये पैसा ठीक से यहां लगे, यहां ठीक से पानी की पाइप गांव गांव तक पहुंचे, इसके लिए यहां भाजपा सरकार बनाना बहुत जरूरी है, वरना लूटने वालों की सरकार अगर बन गई तो वो आपको पानी तो नहीं देंगे, आपके हक के इस पैसे को भी लूट लिया जाएगा। इनकी नियत अगर आपको पानी देने की होती तो आपको पाइप से पानी के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। एक बार साफ पानी आपके घर में पहुंचा तो अनेक बीमारियां अपने आप दूर हो जाएगी। साथियों, ये क्षेत्र तो गुमानी और मेरेल की धारा से समृद्ध है, आपको मां गंगा का आशीर्वाद भी मिला है। यह पानी का उपयोग पीने और सिंचाई के साथ साथ रोजगार के लिए भी उपयोग हो सकता है। ये सोच भी कांग्रेस और जेएमएम की सरकारों को कभी नहीं आई। आजादी से पहले तो यहां से खूब व्यापार कारोबार विदेशों के लिए होता था, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस जेएमएम की सरकारों ने इसको भी ठप कर दिया। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार ने ही गंगा के पानी को परिवहन के लिए, यातायात के लिए उपयोग करने का बीड़ा उठाया है। हल्दिया से वाराणसी तक गंगा जी पर जहाज चलने का रास्ता साफ हो चुका है। यहां साहिबगंज में भी मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाने का काम आज तेजी से चल रहा है। इससे साहिबगंज देश और विदेश के तमाम हिस्सों में पानी के रास्ते जुड़ जाएगा। इसका लाभ यहां कोयला आधारित उद्योगों को भी मिलेगा। स्टोन चिप्स, खाद, सीमेंट और चीनी के साथ साथ अन्य सामानों की ढुलाई भी आसानी से हो पाएगी। यानी यहां नए उद्योगों के लिए, व्यापार कारोबार के लिए नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, इस इलाके के विकास को प्राथमिकता देते हुए यहां रेलवे सहित आवाजाही की तमाम दूसरी सुविधाओं भी सशक्त किया जा रहा है। यहां जो गंगा जी पर पुल निर्माण की शुरुआत होनी है, उसको लेकर दिक्कतों को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, यहां पहले से ही अनेक प्राचीन मंदिर है, यहां प्राचीन जीवाश्म भी है। ऐसे में जब कनेक्टिविटी सुधरेगी,
पर्यटन उद्योग का भी विस्तार होगा तो इस क्षेत्र भी रोजगार के नए अवसर बनेंगे। भाइयों और बहनों, भाजपा की सरकार झारखंड को रेशम का, कपड़े का हब भी बनाना चाहती है। इसके लिए बीते 5 वर्षों में करोड़ों रुपयों की मदद झारखंड को दी गई है। इसी का परिणाम है कि पहले जहां हर वर्ष 2000 मैट्रिक टन से भी कम रेशम का उत्पादन होता था, अब करीब करीब 2700 मैट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते 5 वर्ष में सिर्फ रेशम उद्योग में ही 2.25 लाख नए रोजगार मिले हैं। भाजपा की सरकार यहां रेशम उत्पादन की इकाइयों को सशक्त बनाने में जुटी है। वन विभाग और जनजातीय विभाग मिलाकर रेशम के उत्पादन और उसको नया बाजार देने के लिए काम करे, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां के हजारों बुनकर परिवारों को, हस्तशिल्पियों को पहली बार आईडी कार्ड दिए गए हैं। उनको मशीनों के लिए, कच्चे माल के लिए बैंकों से ऋण लेना अब आसान हुआ है। मुद्रा योजना के तहत उनको बिना गारंटी का ऋण मिल पा रहा है। साथियों, हमारा प्रयास है कि गांव की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को सशक्त किया जाए। इसके लिए हम निरंतर नई नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना से सबसे ज्यादा लाभ किसका हुआ? हमारी माताओं बहनों का हुआ, हमारी बहन बेटियों का हुआ। शौचालय का सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ? हमारी बहन बेटियों को हुआ। मुद्रा योजना से सबसे ज्यादा लाभ हुआ हमारी बहन बेटियों को। यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना से भी घर की मालकिन बनने का हक मिला, वो भी हमारी बहन बेटियों को मिला। यहां की भाजपा सरकार ने तो इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए 1 रुपये में ही महिलाओं के नाम रजिस्ट्री की व्यवस्था भी कर दी। भाइयों और बहनों, यही नहीं, हम सखी मंडलों को भी ताकत दे रहे हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने महिलाओं को खानों के अंदर काम करने का रास्ता सब कर दिया, इससे जुड़ा कानून बनाया। इससे झारखंड की सभी बहनों को सबसे अधिक लाभ हो रहा है। साथियों, भाजपा का प्रयास है कि आदिवासी क्षेत्रों के बेटे बेटियां खूब पढ़े, खेलों में भी आगे बढ़े। इसके लिए झारखंड के हर ब्लॉक में एकलव्य मॉडल स्कूल की सुविधा तैयार की जा रही है। जंगल से जो उपज आदिवासी परिवार इकट्ठा करते हैं उसके अधिक दाम मिले, इसके लिए वन धन केंद्र बनाए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मुफ्त इलाज हो, गैस कनेक्शन हो, किसानों को मिल रहा पैसा हो, पक्का घर हो, ऐसी अनेक सुविधाओं जारी रखने के लिए भाजपा की सरकार बहुत जरूरी है। आपका आने वाला 50 साल का भविष्य तय करने के लिए ये 5 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। वरना जहां भाजपा सरकार नहीं है वहां के लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचने में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, दीवारें खड़ी की जा रही है। मैं दिल्ली से कितना ही जोर लगाऊं, वो राजधानी में भी अटका करके बैठ जाते हैं। झारखंड का तेज विकास तभी संभव है जब दिल्ली और रांची में दोनों
एक ही सोच वाली, एक ही उद्देश्य वाली डबल इंजन की सरकारें हो। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको फूल छाप पर बटन दबाना है। याद रखिए, आपका वोट सिर्फ विधायक बनाने के लिए नहीं है, मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, विकास करके दिखाने वाली सरकार बनाने के लिए है। आपको वोट सिर्फ झारखंड को ही नहीं बल्कि मुझे भी मजबूत करेगा। और इसलिए मैं आप सबसे फिर से एक बार आग्रह करता हूं कि आप बड़ी संख्या में जाकर के, आखिरी चरण का जब मतदान है तो कमल के फूल पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को और मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। फिर एक बार आप सभी का, झारखंड के हर साथी का बहुत बहुत आभार। जोहार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।